परिचय में हूँ। आप तो चौदह मंगलवार सारे देश व्यास कैसा दिन है खुद दुखी गांधी स्वामी हो
दया अपन अनंत देर भाव किया हो दया का भाव तथा ऐसा भाव नहीं समझते हैं ऐसा अनंत देर व्रत नियम किया हुआ था आगे जाए उग्रम तपम व्रतम आगे ऐसा अनंत देर किया मिथ्या श्रद्धा जो अनंत काल में एक चेतन बार समझ गई नहीं तो वो क्या मिथ्या श्रद्धा है संगत वचन सूत्र कहते हैं समझे नहीं सबका सरखा सरखा परम समझ में आया हमारा भी सरखा है तुम्हारा भी सरखा है उसका भी सरखा है सब उसी भाव कहते हैं ऐसा मिथ्या भाव परम दुख नाम मुदोद का कारण है आया प्रजा लिखा सब उसका पानी में जाएगा मिथ्या श्रद्धा रखने वाला पर की प्रक्रिया हम कर सकते हैं पर तो सुख दुख हम देख सकते हैं पर से हमारा कल्याण अथवा पर का आशीर्वाद मिले तो हमारा कल्याण हो जाए ऐसी चीज है नहीं समझ आया मिथ्या दर्शन परम दुख का कारण निवेद का कारण है कहते हैं एक वस्त्र का धागा रखकर हम मुनि है ऐसा माने मनाए मानने को सम्मत हो निवेदन स्वयं के वास्तविक सर्वज्ञ परमात्मा उसने जो कहा तत्व उसमें उत्पन्न फिर था जरी हो सारा नव तत्व बिगड़ जाता आया ऐसी मान्यता करने वाला निबोध में जाएगा शून्यतम परम सुखम परम सुख है संकृति मोक्ष में जाने वाला अल्पकाल में एक दो भाव में उसकी मुक्ति होगी सन्नक भले ज्ञान थोड़ा हो क्रिया भी वर्तमान आचरण न हो पर सन्नक दर्शन शुद्ध हो सैनिक राजा कहीं क्या किया नहीं भरत नहीं था नहीं सम्यक दर्शन शुद्ध था तो उसके कारण एक आध भव में भविष्य में तीर्थंग होगा उन्होंने आया आरती 24 में तीर्थंग होगा वो सम्यक दर्शन का प्रताप है कुछ जाने सम्यकतम परम सुखम वो समझ में आया सम्यक दर्शन ओ अंतर आत्मा एक क्रिया राग का कर्ता मैं पुण्य का दया का भाव का कर्ता भी मैं नहीं तो प्रतिक्रिया का कर्ता मैं नहीं ऐसा अपना शुद्ध चैतन में ज्ञाता दृष्टा का अनुभव में प्रतीत एक संयत दर्शन अनंत आनंद नाम मोक्ष का कारण है इसकी तो कीमत नहीं है अत्यारे भाई किया करें व्रत करें किया करें सब करे ओ बड़ा संयम है समझ में आया और व्रत आदि न हो तो कहीं भाई त्याग है तो त्याग है भगवान का मार्ग तो त्याग है उनको फिर हमें त्याग करा समझ में आया सम्यक दर्शन बिना का त्याग सब नरक निरोध में ले जाने वाला है अभिमान है उस अंदर में स्वभाव का भान नहीं हम किया ऐसा किया तो कहते हैं सम्यकतम परम सुखम समी सिवाय कोई परम सुख का आसान जगत में है नहीं आया तत्र मिथ्या मतम तप्तम माति मिथ्या श्रद्धा मिथ्या अभिप्राय छोड़कर शुद्ध सम्यक प्रार्थन शुद्ध सम्यक दर्शन अपना साथ बनाना चाहिए सम्यक दर्शन का साथ बनाना चाहिए साथीदार चालते हैं ना साथीदार होते हैं सम्यक दर्शन साथीदार बनाना अपना शुद्ध न्याय परमात्मा दूसरा बोध हो न हो दुनिया माने न माने व्रत संयम हो के न हो पर सम्यक दर्शन यथार्थ हुआ अल्पकाल में वो सम्यक दर्शन के प्रताप है केवल ज्ञान और मुक्त पाई जाए आया अरे 294 पहले था वो आ गया था पहले 8 वर्ष हुआ इतना आ गया था।
पहले पूर्व दर्शन हुआ है उसमें आधा पता है, आधा समझ नहीं आया, देखो बस मैं थोड़ा हूँ। मिथ्या संगम न कर्तव्यम मिथ्या वासना वासितम दूरे तजंती मिथ्या तुम देशी इत्यादि कर्तव्यम। विपरीत मानता ये कणपण सूक्ष्म मिथ्या सूर्य मरे सातवा अध्याय माँ बहुत लिया है जैन दिगंबर में जन्मिया तथा सूक्ष्म पर मिथ्या रहते हैं। व्यवहार से नीचे प्राप्त होता है मिथ्या भाषी व्यवहार विकल्प आता है उसको जानते नहीं मानते नहीं तो बहुत अधिकार लिया है सातवा अध्याय। तो कहते हैं कि मिथ्यात का संग न करना चाहिए, मिथ्या दृष्टि का संग नहीं करना चाहिए न मिथ्या का भाव करना न करना। जिसकी दृष्टि विपरीत है उसका संग छोड़ना चाहिए, नहीं तो कुसंग है लकड़ी गिरी जाएगा मिथ्या का है। तो पंद्रह क्या करे पर उसकी प्रतीति में संग के सारा जाने तो उसकी उल्टी प्रतीति हो जाएगी। संग आएगा आया उल्टी प्रतीत कर देगा, हाँ ऐसा निशान है ऐसा निनायक है, अपनी मिथ्या श्रद्धा है दूसरे में बना दे तो वो करे माने तो बना दे ना क्या वो माने बिना क्या ये शांति। मिथ्या वासना वासितम मिथ्या की वासना दंड बैठी और थोड़ी उल्टी श्रद्धा एक विकल्प से धर्म होता है, निमित्त से कार्य होता है, मेरे में प्रकार कार्य कर सकता हूँ पूरी पंख पूरी सुख संपन्न उन्हें आया जी। तो दूरे तो जनती मिथ्या तुम छोड़ दे दूर छोड़ दे उन्हें विषम इत्यादि विष आदि का त्याग करना चाहिए, ऐसा चित्र हो तो छोड़ देना चाहिए। छोटा संघ हो जिसमें मिथ्या का पोषण मिले मिथ्या की परूपणा कथन मिले सच्चा तत्व का बांध हो ऐसा चित्र छोड़ देना चाहिए। वो मेरा मन में आया था तुम बोले ऐसा ही विमल चंदी क्या साधन मत हो क्या छोड़ दिया नहीं विमल चंदी दिखाई तो नहीं अभी होता है ना। हाँ बहुत मान से मत मगज बहुत उठता हो छोटी उम्र है उम्र तो 26 वर्ष की कौन अब मगज अशास्त्रता वन चुनाव दबो जल दबो महा दबो समय सार प्रवचन सार नहीं सब शास्त्र दूसरी कोई बात नहीं इन प्रजा अनेक और शास्त्र बस दो सिवाय कोई दूसरी तीसरी बात ही नहीं। जवान मानस है जी तो 26 वर्ष की उम्र तो जी जवान है उसकी भावना समझने की जानने की बहुत और जय धर्म महाधर्म की बहुत वांछन याद भी बहुत मारा है आस्था रहो मानो तो आस्था कितना पे नहीं किया सारा 300 पगार मिलता था क्या आदमी नगर नहीं बाद में धर्म जैना न्याय क्या भाव था जैना नाम धरा दे वाड़ा जैन किसको कहना जी जैन किसको कहना जैन की दृष्टि क्या जैन क्या कहते हैं विकराग का क्या मार्ग है अभी सच सुनने में आया नहीं उसको श्रद्धा बुद्धा कहां से ला रहे समझ में आया। देखो अपने हमें समझ परमान पद्मन जी कुछ मार पद्मन जी कुछ मारे देख छोड़ दे बोल जैना की मिथ्यातना संगीत रूपना छोड़ दे संग समझ में आया। उन कुंडाचार को क्या लग कहते हैं ओ मूलाचार में मूलाचार जनता कि जिसकी दृष्टि में विपरीतता है दूसरा गम्य कितना जान पड़ा किया हो और व्रत नियम भी हो पर जिसकी दृष्टि में विपरीत है छोड़ दे ना संग तो क्या करे आ संग छोड़ दे लगन कर पर स्त्री का संग कर ऐसा संग छोड़ दे ऐसा पापी है ए पाठ है दाता है एक नहीं लाभ लाओ तो खराब हुई अचानक के सांभड़े तो खराब दाल तुम मान लेगा तू
चार दिन का यहाँ से जाना बस रुक के नहीं समझ में आया। कौन कुंडाचार पकार करते हैं जिसकी दृष्टि मानता हम ठिकाना नहीं। समझ में आया। यहाँ भी सच्चा आदि सच्चा आदि से व्यवहार श्रद्धा का ठिकाना नीचे संगत दर्शन पर ही पूछ रहा तो कहते हैं कि उसका संग नहीं करना। क्या करना? उसका संग छोड़ दे। उसका नहीं छोड़ा था बांगे बाणु जापन बताए वन होता है। उसमें कहते हैं कि जो कोई यदि आत्मा का भान नहीं और राग आदि के वक्त त्याग ले लेते मुनि हो जाते हैं और उसकी श्रद्धा में विपरीत वासना पड़ी है तो उसका संग नहीं करना। वरम गण प्रवेशादो विवाह प्रवेशन विवाहे रागपत्ति गणो दो आगो कहते हैं गणम वरम गणम प्रवेशादो विवाह प्रवेशन को छोटा संग साधु कुसंग उनकी मानता कराने वाला आया उसका संग छोड़ गए। वो करता विवाह प्रवेशन वरम क्या किया उनको संत जानते हैं जिसने क्या था। वरम गण प्रवेशादो विवाह प्रवेशनम छोटा संघ का संग में रहना ये करता है। वरम विवाह प्रवेशनम स्त्री का लगन करना ये प्रधान है क्योंकि स्त्री का लगन में तो चारित्र का दोष आएगा राग का विषाद का दोष नहीं आएगा। आया दुनिया में तो कसम पड़ती वर्तमान में बाहर ना त्याग मूल चीज क्या है भान न मिले। देखो पा अद्यति अंत में भी गण में प्रवेश करें शीर्षादी को मैं मोह उत्पन्न होगा मुनिकुल में मोह उत्पन्न होने के लिए कारण वो कैसे पार्षदादी पांच मुनियों को संपर्क होगा उनके संपर्क की अपेक्षा विवाह में प्रवेश करना ग्रह में प्रवेश करना अधिक अच्छा है क्योंकि विवाह में स्त्री आदि परिग्रहों का ग्रहण होता है और उससे रागोत्पत्ति होती है परंतु गण तो सर्वदोषों का आधार ऊंधा संघ की श्रद्धा ना परिचय में रहना इच्छा तो स्वयं के सारे राग जाति उत्पन्न करने वाला है। विवाह में मिथ्या तो नहीं होगा। अरे कृष्ण राज मुनि संत भाव लिंगी छठे साथ में गुण समाचार मंगलम भगवान विरोम मंगलम रोगी मंगलम कुंतुंदारियो नाम है क्या तीसरे नाम है कहते हैं कि कुसंगी साधु कुसंगी ग्रस्त जिसकी वासना में मिथ्या पर आए तत्व का सुख भान नहीं वो करता विवाह में मिथ्या नहीं है चारित्र दोष का होगा। चंद्र जी देखो आप कुंकुंडाचार का मोहाचार की कन्नगाता है दुनिया ने भान क्या सकल समझ में आया बाह त्याग में बाह हार बाह देश में आ किया ना किया उसकी प्रतीत में उसका भरोसा तत्व की क्या विपरीतता है भान नहीं उसको ने भान नहीं उसको। चंद्र जी राजपति गणों दूषण आग्रह तो उनकी श्रद्धा वाला संघ में तो इतना पाप में मिथ्या का खान है मिथ्या की खान है दोस्ती मिथ्या का दोस्ती जगत को कीमत है ये निरोध का कारण है अब ना मिथ्या परम दुखम तो क्या चीज है। कहते हैं देशम इत्यादि का स्वयं देश छोड़ देना हरे जल जाते हैं थोड़ा सत्सन आते हैं थोड़ा मिथ्या दुर्ही वाचन की मिथ्या संग न दिशति मिथ्या माया कुटुंब संगम भीरती सदा बुद्धि। देखो आचार्य स्वामी क्या कहते हैं मिथ्या तो से दूर से ही बचना चाहिए दुर्ही वाचन की उनकी श्रद्धा मानावे पुरुष कहे दुनिया को मनाते। समझ में आया
ऐसा शास्त्र लिखे मुद्रा मानता का दुरे सजंती मिथ्या दुरे ही वासंती मिथ्या संग न दिखते विचार का संग न दिखना चाहिए अर्थात परिचय करना नहीं मिथ्यात्व माया में फंसे कुटुंब का संग बुद्धिमान सदा बचावे। क्या है देखो माता पिता भाई पर जो भी हवा मिथ्या संस्कार वाला हो भैया देखो पंचावन मिथ्या माया कुटुंब से अपना कुटुंब हो स्त्री हो पति हो भाई हो कुटुंब वाला मारा सगाओ पर मिथ्या श्रद्धा संस्कार पड़ा है और मिथ्या श्रद्धा की वासना दूसरा को बताते हैं जैसा ही मारे जैसा ही मारे छोड़ दे कुटुंब को छोड़ दे बैली को छोड़ दे पति को छोड़ दे भाई को छोड़ दे जी करक है करक सच है हमारा महान मिथ्या का पाप इसी रूप कीमत नहीं समझ में आया आ सब राग घट दिया ब्रह्मचर पाल दिया त्याग फिर दिया इंद्र दमन किया संयम पाया और रात्रि को सौव्यार करते हैं पर ये तो बड़ी किया सुनो खड़े हुए यहाँ मिथ्या का सूक्ष्म पर सज पड़ा है उसके कारण परंपरा निरोध में जय जय रा कुटुम नो क्या करवो और आ भारी कसम भाई क्योंकि और देखो तुम पूरा मिथ्या सुन आया संगीरती सदा सुने मिथ्या माया में फंसे हुए कुटुंब का संग बुद्धिमान सदा ही बचा रहे लोग सदा बचा रहे कभी तुम्हारी आज हमारे धर्म की चर्चा नहीं समझे संस्कार की बात आपने और भले धर्म की चर्चा है ना मैंने कहता हूँ उसकी दृष्टि तुम्हारी ये चर्चा वो धर्म के मानना में चर्चा नहीं कुटुंब की बात भी नहीं करना भाई धर्म अपनी शिक्षा भी नहीं चाहिए जवाबदारी संसार की भी बात है पर आप तरीके नहीं करी राज जात में हाँ लाओ आपने हमें तमें बात करी बोलो बुद्धि वालों कहीं से ना भाई हिंदी सज्जन हमारे यहाँ बड़ी मित्र तुम और ना हमारी बात हम समझ में आया ओके कह कुटुम छोड़ देना देश छोड़ देना घर छोड़ देना विचार का तीव्र वन बुद्धि अपनी अपनी और अल्प वन उसका संस्कार नीति पर आओ छोड़ देना उसको पाए तो तुम तो छोड़ देना ओहो हो अरे आज ही विचार का संस्कार छोड़े नहीं अरे दूसरा छोड़ दे कहा छोड़ दे गर्म छोड़ दिया है समझ में आया ठीक है कर्ण के पांच बता है वेरी गुड जीव रक्षा शब्द है ना इतनी गरीब और समझवा मतलब कर्ण के पांच जीव रक्षा सदकायस संकली शुद्ध भावना काव को उसकी दृष्टि जलम सासु प्रवर्तित पहलो प्रश्न की जीवनी सदकाय रक्षा के शब्द पर्याय ने जीवनी रक्षा कर सकते ऐसा अर्थ में नहीं क्योंकि सकाय जीव तो पर है पर की पर्याय रक्षा कर सके तो दृष्टि विचार हो गई पर दृष्टि पर्याय मैं करता हूँ समझ में आया आ शब्द में न हम देता ऊंधा अर्थ करे ऐसा है उसमें से देखो जीव रक्षा सदकाय सदकाय की जीव रक्षा करना लिखा है वो तो शब्द है ऐसा उसका अर्थ प्रसन्न व्यक्ति में सकाय के जीवने जीव का दुख होने का भाव न हो उसको मारने का भाव न हो मरे के जीवे तो उसकी पर्याय की इलाज का था उसका आयुष हो तो मरे न मरे न हो तो आयुष मरी जाए निकाल शुद्ध संगत दर्शन की भावना करने वाला
श्रावक को शुद्ध दृष्टि रखने वाला संगत दर्शन शुद्ध ज्ञाता दृष्टा ऐसा बाण है कि सताए के प्राणियों की रक्षा करना अपना लामू लामू नहीं गई और सताए की जीव रक्षा अर्थात उसका नहीं मारना ऐसा भाव को होता है शुभ भाव ऐसा ऐसा जीव ने नहीं मारना है तो शुभ भाव धर्म नहीं पुण्य भाव पर उससे पर्ची रक्षा कर सकते हैं ऐसा नहीं पर्ची रक्षा करना मैं माने तो मिचा दृष्टि परदृष्टि क्रिया का करता होता है समझ आया दुपुर सकते समझा बिना साधना अर्थना अमर्थ करे मिथ्या पोषे कहते हैं तो उसका संग छोड़ देना जो जीव रक्षा सरकार संकय शुद्ध भावना जानो साव को शुद्ध सी सावक शुद्ध सी रखने वाला रासुम जल रासुम जल काम में लेते हैं काम में लेते हैं इसलिए एक ऐसा भाव आता है कोई प्राण को कृष्ण हो जल को कृष्ण हो बड़ी माधारी की बात नहीं कृष्ण ऐसा भाव आता है कोई चीज क्या होती है अपने से ऐसा ही मानते नहीं पर ऐसा भाव कि कोई प्राण को दुख न हो और जल का रक्षा अथवा गालन गालन को क्या कहते हैं आनंद आनंद होकर या तो बल्कि ये पढ़ के आत्मा कर सकते हैं आनंद पालन करता हो तो मिटा देती है में आया जैन धर्म इसलिए वस्तु का स्वभाव की समझना महा अलौकिक बात है आया सकाल की रक्षा का गया ना भोजन और तरण से पति तरण सौ पति सावकों का आचार का संवरण में हो साथ साथ जाकर लिया है दे देवली देवम चो जिणवरी देहम परमेश्वरी संयुतम पूजम च शुद्ध सम्यकत्वम संगत दृष्टि निश्चय में अपना देह में परमात्मा विराजता है समान है दे देवल में भगवान विराजते हैं अपना समझ में आया अपना भगवान बार नहीं देव देवली शरीर रूपी मंदिर में आत्मा रूपी देव मैं ही परमेश्वर हूँ अनंत गुण का धाम अनंत आनंद का दंड अनंत केवल ज्ञानी वेदड़ी ने प्रकट करने का बीजड़ा अनंत अनंत केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान साधु अनंत ऐसी पर्याय अनंत केवल ज्ञान एक समय की पर्याय है दूसरे समय दूसरी होती है तीसरे समय तीसरी होती है केवल ज्ञान हो कोई केवल ज्ञान नहीं रहते समय समय की केवल ज्ञान प्रिया साधु अनंत उसका बीजड़ा पीठ उसका आत्मा में है मेरे में सब केवल ज्ञान की पर्याय है ऐसा में ऐसा भी में जीवन में विराजमान भगवान उसको अंतर में अनुभव से प्रतीत करना उसका नाम सावकाचार सम्यक दर्शन समझ में आया वरी जिनेन्द्रो ने कहा है देखो जिन वरिंदे उठो जिन वरिंदे उठो जिन वरिंद्रो ये नाम कहा है त्रिलोकना नाथ परमेश्वर विद्रा तो इंद्रना पूज महावीर आदि तीर्थंकरो सिमंदर आदि परमात्मा विराजमान वो बीज मनाते हैं वो ममुल पावनाते हैं ममुल पावनाते हैं वर्तमान विद्यमान सिमंदर भगवान आदि ममुल पावनाते हैं थोड़ा सब देख लिया थोड़ा थोड़ा वो समझ में आया थोड़ा थोड़ा अभी एक महीने में बाहर वाचा कितना हमारे तो कितना भगत हो जीव वरिंदे उठो जीव वरिंदो या उद्देश्य है समझ आया बाकी बाहर मंदिर आदि व्यवहार है कुंड बंद का कारण है भक्ति पूजा यात्रा है कुंड बंद का कारण
शराब भी वही भगवान आई गिराते हैं। बराबर समझ में आया? परमेश की संयुतम ऐसा है कि परमेश की गुणों सहित है। मैं तो पूर्ण सीत का जितना गुण इतना पूर्ण मेरे में है, ऐसा परमेश की मैं हूँ। ऐसी संगत दृष्टि की दृष्टि अपना स्वभाव पर होती नाता दृष्टा में पूर्ण आनंद का फल हूँ। राग उत्पन्न होता है मैं का मेरा कर्तव्य में जानने वाला हूँ, बेटी क्रिया होती मैं जानने वाला हूँ। ऐसा संगत दृष्टि अपने आत्मा को सिद्ध समान उसकी भक्ति पूजा शुभ संगत दर्शन है। भक्ति की व्याख्या क्या? कि अपना पूर्णानंद शुद्ध शोभा एकाग्रता से संगत दर्शन करना वो भक्ति है, जो निश्चय भक्ति है। समझ में आया? भगवान आदि की भक्ति साक्षात प्रसंग हो तो भी ये भक्ति भगवान की समोसन में होती है, वो व्यवहार भक्ति है। भगवान की अपना भगवान ज्ञान नहीं है निपास, उसका है भगवान समोसर में भी गणगरों को क्या करते हैं भगवान जी समझते हैं। शुभ समझ में आया? राव को भी मणि रत्न है विवाह को पूजा करते राव है तो शुभ भाव है, पर द्रव का अलग है तो शुभ भाव है। समझ में आया? मुक्ति का नारण नहीं बीच में व्यवहार आया बिना नहीं। आप लोग को सकते हैं देखो यहाँ का उजम अपना आत्मा पूज्य है, भक्ति करने लायक है। अखंडानंद प्रभु एक विकल्प की गंध जिसमें नहीं, पूर्णानंद परमेश्वर जिसकी एक एक गुण में अनंत शक्ति, ऐसा अनंत गुण का प्रभु भगवान जिसमें एक एक गुण की अनंत पर्याय। आया ऐसा अपना आत्मा नीड कारण प्रभु उसकी अंतर्दृष्टि करना एकाग्र होना कोई उसकी भक्ति ने पूजा। समझ में आया? ओ नी भक्ति ने पूजा निद्रा ने संबर का कारण है। समझ में आया? रंजन जी बहुत सत्सन है लोगों को। अरे सौंदर भाई सौंदर नहीं आते भगवान की बात है सुन तो सही। हाँ अपने आप ही है अंदर में बाहर आप ही है भाव बराबर है। सुबह आता है भक्ति पूजा वो इंद्रो इंद्रो नाचते हैं साथ में आते हैं। समझ आया? मतो भगवती कारक हो बंद होता ही नहीं, विकल्प आया उससे कृष्ण उत्तर बनता है। विकल्प राग है उसको कारण भावना है ना, तो दर्शन सिद्धि इतना संगत दर्शन की बात नहीं है। संगत दर्शन से बंद पड़ते ही नहीं, क्योंकि संगत दर्शन ज्ञान चारित प्राणी मोक्ष मार्ग हो। संगत दर्शन ज्ञान चारित निर्विकल श्रद्धा अनुभव ने स्थिरता हो मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग से बंद होता ही नहीं। पान बीच में वो बातियां कहते हैं या कारण स्वामी भी कहते हैं कि संगत दृष्टि को सोच भावना का राग आता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं, अने आया वो राग सुन बंद का कारण है। आया तोरस कारण भावना बाह्य कोने जिसने तथा अरहंत पद की भावना बाह्य ये तो ये नहीं समझा। अरहंत भावना है ना दो बोल दिया है तोरस भावना भावे अरहंत भावना इतना ये तो तीर्थंकर पना का विकल्प आया वो संस्कृति को आता है बताना है। श्रद्धा में ठिकाना नहीं मिथ्यात ने तोरस कारण हमारे भावना है कहां से आई तेरे वो कहते हैं। समझ में आया? भाई करो धर्म प्रभाव नाम करो दुनिया में एहसान तीर्थन गोत्र बन जाएगा, करो वयावचन करो एहसान। वो कहते हैं मुंड है संगत दर्शन बिना तेरा विकल्प ऐसा कभी चिंता में आता नहीं।
वो समझ में आया भावना मान तथा अरण भावना मान वो तीन पदार्थ स्वरूप तीन संबंध ज्ञानकारी समझ में आया संज्ञा दर्शन ज्ञानकारी स्वरूप तीर्थंकर पूर्ण पाद ज्ञान में होता है। भविष्य में संज्ञा दर्शन ज्ञानकारी पूर्ण होगा उसको जिसने अपना संज्ञा दर्शन स्वभाव का प्रकट किया उसमें जो विकल्प आया तीर्थंकर गोत बंद होगा वो तीर्थंकर भविष्य में होगा पर वो विकल्प ने प्रकृति से तरण दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्ण होगा ऐसा नहीं पर वो जीव की ऐसी लायकात है कि आवता भो में दर्शन ज्ञान चारित्र की अपना स्वभाव के कारण पूर्ण करेगा। विकल्प आया तो रहा गए बंद पड़ा प्रकृति जड़ है आया के देखो भैया तीर्थंग गोत्र बांधा तो तीर्थंग गोत्र बंदा है उससे क्यों ज्ञान पाएगा तीर्थंग प्रकृति बंद से क्यों ज्ञान पाए तो बंद की प्रकृति जड़ हुई अने जे भाव है बंदा वो भाव तो आश्रय उदय भाव है राग है उदय भाव से बंद पड़ता है क्या सूक्ष्म भाव से बंद पड़ते हैं पांच भाव है उदय सूक्ष्म साहित ने परिणामी उदय भाव से बंद पड़ते हैं संसार त्रिलोक में कोई पण प्रकृति का बन पड़ो नवा उदय भाव से सूक्ष्म से बन पड़ते नहीं खबर नहीं ऐसे लगा दो जो भैया सोच कारण भावना पड़ी तीर्थंग होगा पर तीर्थंगत प्रकृति बंदी ने वो प्राण से केवल ज्ञान पाएगा तीर्थंग प्रकृति तो अजीब है और जो भाव था वो तो उदय भाव राग है राग में अजीब से केवल ज्ञान होगा भावना भाते नहीं आ जाती है तो भावना भाते क्या है कि अभी अर्थ में न किया था आता है विकल्प उसको बातें ऐसा कहने में आता है ये पण बात ऐसी है कोई तीर्थंकर का द्रव हो उसको विकल्प आता है अनादि की सैनी की स्थिति उसकी ऐसी है सबको ऐसा भाव करके ऐसा होता ही नहीं बात ये तो जी तीर्थंकर होने वाला जीव है उसकी क्रम में ऐसी विकल्प की दिशा चारित्र में विकृत में आती है ऐसी अनु योग्यता पड़ी है दूसरा में ऐसी योग्यता है नहीं समझ में आया चारित्र उसकी विकृतता का वो कण है पर वो दर्शन होने वाला है उसमें योग्यता है वो प्रकृति उसको विकल्प ऐसा आता है हम जानते हैं कि आश्रय है मेरे हित करने बंद पड़ा है मेरे हित करने परंपरा से मुक्ति होती ऐसा पतन शास्त्र में चले पर उसका अर्थ है कि उससे होता नहीं थोड़ा भावना लगाओ ऐसा आठ कर्म की पूजा शुभ भाव है शुभ भाव है भैया शुभ भाव है आया ये शुभ भाव इतना है बस समझना है दूसरी चीज है तो विवेक विकल्प का विवेक अजीव पर तत्व का विवेक से भिन्न भगवान है संयम दर्शी पहले से अंतर स्वीकार किया है जितना उदय भाव का विकल्प आएगा ये मेरी चीज नहीं मेरे उपाधि नहीं वो सूर्य भावना उपाधि नहीं ऐसा संयम दर्शी मानते हैं यही तरीके है पर आया बिना रहते नहीं उसकी योग्यता ऐसे आती है तत्व नहीं सत्यता सुनने में आई नहीं जी तो सर्वज्ञ पंथ है विकराल त्रिलोक नाथ का पंथ है इंद्रो समझ मानते हैं तीर्थंकरों कहते हैं गंधरों स्वीकारते हैं क्या दो चार मान पति प्रजा मान ले ऐसी चीज है आया कहते हैं कि पांच ज्ञान में होता है कौन वो तीर्थंकर वो संज्ञा दर्शन सहित है
ये भावना में उसकी पूर्ण सिद्धि करने का भाव है, बीच में ऐसा विकल्प आया तो उससे होता है ऐसा नहीं, तो वो राग भी जब छेद डालेगा तब केवल ज्ञान होगा, केवल ज्ञान होगा तब फिर संग प्रकृति बंधी उसका पाक आएगा विपाक। केवल ज्ञान होता पीछे प्रकृति का पाक आता है, फिर संग प्रकृति का उदय तीर में आता है, नीचे आता है नहीं। क्या किया तीर्थंग प्रकृति आत्मा को, हर पदार्थ क्या करे आत्मा को, स्वभाव में सहायक होता है नहीं, कौन नहीं, विकल्प भी आया था वो आगे जाकर स्वरूप में स्थिर हुआ, विकल्प उठ गया प्रकृति रह गई। जब केवल ज्ञान अंतर वो कहते पांच ज्ञान में हुआ प्यारे तीर्थंग प्रकृति बंदी थी, पांच में उदय आया फिर में समोश में, उसको क्यों ज्ञान हो गया। બીજા ને લાભ એ જેની ઉપાદન મૂકતા હોય એને મિલતા છે, બધા વાંધા સમજા મોટી ઘણી ચર્ચા કરી દીધા, જેની ત્યાં ઉપાદાન ની લાયકાત હોય તેને વાણી નિમિત્ત થાય, વાણી શું કરે અનંતવાર તીર્થંકર પાસે ગયો, અનંતવાર દીવ ધની ધની અનંતવાર ભગવાન થી સમોસરણ મેં પૂજા ઇન્દ્ર સાહેબ ક્યાં ક્યાં હુઆ, मूल चीज की क्या दृष्टि है, मूल चीज क्या है, अपना स्वास्थ्य से क्या चीज प्रकट होती है, ज्ञान नहीं तो भगवान क्या करेंगे, यहाँ भगवान बिराते है भगवान को क्या उदय लड़का उड़ जाता है पाकमोदी रहता जाता है, केवल ज्ञान तो हो गया है, केवल ज्ञान ने क्या प्रकृति मदद किया, पाप तो फिर में आया, वो कारण आगाथा लिया है थोड़ी समझ में आया, प्रतीक सैतालीसौ शास्त्र भक्ति ज्ञान गुण चतुरी सुध पूजा समझा। देखो संगत सुख किसको कहते हैं, उसको संगत दृष्टि को विवेक है, चार अनुयोग मृगानुयोग शरणानुयोग करणानुयोग समझ में आया, कथानुयोग चार किसको कहते हैं, जिसका अभ्यास करना उस सम्यक दृष्टि को बड़ी स्पष्ट खबर है, तो बात यह है देखो उसकी कहीं वो लेगा चार अनुयोग, आप ही से चार अनुयोग लेगा एकदम, भाई चार अनुयोग किसको कहना, द्रव्यानुयोग का किसको कहना, अभ्यास किसको करना, यानी खबर न मिले तो सावक को खबर है, सच्चा सावक को कि ज्ञान गुणम तत्वारी सुत पूजा सदा बुधि धर्म ज्ञानम से संयुक्तम सुत पूजा विधीयते, ज्ञान गुणम सत्वारी कारण योग समय में आया, कारण योग का नाम ही तो ना पर ठीक है, ज्ञान गुण नाम निमित्त शास्त्र चार है, चार प्रकार का शास्त्र है सत्वारी सुख पूजा सदा बुद्धि, बुद्धि नाम ज्ञानी हुई सुख पूजा करनी चाहिए, सुख पूजा नाम भाव सुख पूजा अंदर में करनी चाहिए, उस अंतर में भाव सुख न दर्शन आश्रय में संयक दर्शन हुआ है तो संयक अपने स्वसंवेदन करके भाव सुध का बदवा वृद्धि करना वो भाव सुध पूजा है, उस संबंध इंद्रा अंदर में संयक दर्शन सहित बाह्य ग्रह सुध की पूजा में भी विकल्प है, ये शुभ राय है, उस संयक दृष्टि को ऐसा भाव समझ में आया
चारी शुद्ध पूजा सदा बुद्धि धर्म ज्ञान संयुक्त प्रणो भी तो घटे ही जाए। हाँ ऐसा नहीं तो धर्म ज्ञान सहित ही होना चाहिए। तो धर्म ज्ञान तो सम्यक दृष्टि को होता है, अज्ञानी को धर्म ज्ञान होता नहीं। अपना स्वभाव न्यायक चिदानंद परिपूर्ण प्रभु कोई क्या करता होता है नहीं, मेरे कोई क्या सहाय से मेरी दशा प्रकट हो ऐसा मैं नहीं। ऐसा अंतर अनुभव में प्रतीत आया, ऐसा धर्म ज्ञान शरीर शुद्ध पूजा करनी चाहिए। शुद्ध पूजा का दो अर्थ है भाव सुख दृष्टि, भाव सुख चार अनियुग का अंदर में सम्य ज्ञान प्रकट करना, स्वभाव के आश्रय से एकाकार होकर द्रव शुद्ध बार है उसकी भक्ति वो विकल्प है। अपना स्वभाव भाव सुख प्रकट करना वो निर्विकल्प सिद्ध है। समझ में आया, एक ली पूजा सूचने करें हम जो नहीं कहा तो पूजा क्या है, वो तो अजीब शास्त्र है, उस पूजा में क्या है। करो पूजा भाई शास्त्र में भगवान का भाव भरे आए ना कौन सकते, भगवान की परिये भगवान में, वाणी की परिये वाणी में। तो नीच से कहने में आया जिन वाणी अजन जिन प्रतिमा एम जिन वाणी में क्या जिन आ गया है, विकराग का भाव आया है उसमें, जड का परमाणु की पर्याय है बराबर, उसकी परमाणु की पर्याय में चेतन का पर्याय आया मानना हम क्या दृष्टि मानते हैं। समझ में आया, एम भगवान स्थापना निश्चित है उसमें भाव अर्यम निश्चित मानना ये विपरीत मानता है। समझ आया, हीरा तोल तोल कर लेते है ना, कांटा में गरीब या आधा पीछा होना मौसम नुकसान कर रहे धरती बात देखे ना, वो भाई हमारे बैठे भाई नवाम का सोना था उनका ना हमारे क्या एक हीरा 5,000 का एक हीरा ऐसी हमको बताने को, हीरा का व्यापारी है ना चलाया था ना भाई, उसका व्यापार है हीरा का, मालिक बड़ा व्यापार है वो बेहतर फैलाया एक 80,000 का और एक 5,000 का, 5,000 का था छोटा था उसका क्या हम सोचे कि एक रस्सी का 10,000 रुपया लिखा है, एक रस्सी का 10,000 रस्सी समझते त्रम रस्सी नवाब ये बधु वही जो हमारा घन कर पहले ऐसा था त्रम रस्सी ना वाल सोल वाल गदियानो गदियाने 18,000 का 32,000 में रुपये रुपया बार 1 रुपया बार 32,000 होता है, और 96 रत्ती नो 1 तोलो है रत्ती रत्ती चलो ये पैसा नहीं है, एक रत्ती का 10,000 रुपया ये कांटा कैसा होगा, इसका तोलने वाला कांटा कैसा होगा, इसमें रखे कांटा ऐसा कांटा सुनिए कांटा दे तो उसका पल्ला है ना पल्ला आप कह सकते हैं हमको खबर नहीं है क्या करते हैं कुछ जहाँ रहते हैं तो इतना गरीब नहीं क्या गरीब से बस इतना होता है ऐसे इनका नीचे रनो समझ में आया, उसका पल्ला है ना पल्ला तो यहाँ गरीब क्यों कर गरीब क्यों नीचे ककारो लग जाए फिर भर दे जाए चार में सोखा नहीं थे तोड़ना ऐसा हो दूसरे रहता दूसरे पल्ला इतना सुख समझना गरीब नहीं था तोल माप आ जाए। समझ में आया, एक रत्ती का 10,000 रुपया और 80,000 का हीरा था 18,000 रुपया का है, उसका रत्ती भर हुआ नहीं 60,000 का सौ रुपया वो 18,000 रुपया बचे हैं 80,000 की दुनिया को बाद हीरा में गरीब की हुआ बाद इतना हीरा की तुलना आ तो सर्वज्ञ वाणी की तुलना हीरा तो दूर है विद्रान वाणी का ज्ञान तुलना उसका सम्य ज्ञान का कांटा बराबर सूक्ष्म होना चाहिए। आया थोड़ा पण फिर पड़े तो सम्य ज्ञान का तुलना यह साक्षी सत्य है मैं करवाई है पूजा सदा करनी है। एक दुर्गान युग में युक्त का फल है ना दुर्गान युग में कौन से सपन आपने चालीस चला
356 द्रव्यानयोगुत्पाद्यं द्रव्यस्तु संयुतं अनन्तानन्तं दिशन्ति स्वात्मानमव्यक्तरूपयम् यावत् सम्यक् दृष्टि को द्रव्यानयोग का अभ्यास करना आया चार महानियोग व्याप्ति में आ गया आया द्रव्यानयोग में सार है तो कहते हैं द्रव्यानयोग का अभ्यास करना चाहिए द्रव्यानयोग अंदर में उत्पन्न करना है तो स्वभाव में और बाह्य में द्रव्यानुयोग शास्त्र का अभ्यास करना द्रव्यानुयोग का अभ्यास करना द्रव्यानुयोग किसको किस होंगे जिसमें आत्मा का वर्ण हो द्रव्य का वर्ण हो गुण पर्याय का वर्ण हो उसका अस्तित्व का वर्ण हो जिसमें अभेद भेद का वर्ण क्या चीज वर्ण हो उसका द्रव्यानुयोग का उत्पाद्यम उसका अभ्यास के कायम करना शास्त्र भक्ति में शास्त्र करते हुए हमेशा विकल्प आता है निश्चय में अंतर में द्रव्यानियों की शुद्धि प्रकट करना बाहर में ऐसा विकल्प भक्ति का शुभांचन का हमेशा द्रव्यानियों का अभ्यास ये द्रव्यानियों किसको कहना खबर नहीं और छोड़ सकते करने खबर नग दृष्टि होकर द्रव्यान द्रव्य दृष्टि संयोजन साथ में द्रव्यार्थी नहीं शुद्धात्मक दृष्टि भी प्राप्त करनी चाहिए इतना द्रव्यानु कोई अभ्यास नहीं आया एक लोग से द्रव्य नो अभ्यास चल जाते कई सारा ईशन द्रव्यानु के गए हाँ एक दोनों सब कहते थे कितने सभा बढ़ा वितरा सभा अवला के कोई जाए क्या हमें वितरा क्या थी क्या कभी तुम्हें बढ़ा वितरा हमें भीतरा करती चीजें कोई आत्मा माटी बताई थी कि भीतरा खबर नहीं थी नीत नाम पैसो राज नाम पैसा ना प्रेमी पैसा को भीत कहते ना भीत भीत पैसो भीत पैसा भीत राग हो सब राग भीत नाम पैसा ना प्रेमी वितराग तो आत्मा वितराजी है आत्मा नो स्वभाव वितराजी है वो तो भाग नहीं करा वितराग लगा दिया तेने बड़ा वितराग कई सा ना प्रेम जमा है द्रव्य दृष्टि संयुतम सम्यक दृष्टि द्रव्य दृष्टि है द्रव्य अपना कैसा है उसकी द्रव्यानुयोग के द्रव्यार्थी नहीं से अपनी दृष्टि करके जो दृष्टि लगाया है उसका वारंवार अपना स्वभाव सन्मुख में अभ्यास करना आया स्वात्मनम अनंतानंद व्यक्त रूपयम दिखते अपने शुद्धात्मा के समान जगत की अनंतानंद आत्मा प्रकट उसे लीलाय पड़े सब द्रव्य शुद्ध है जैसा मेरा आत्मा शुद्ध है सब सब आत्मा दृष्टि में आता है पर्याय बुद्धि अपनी निकल गई सब आत्मा द्रव्य शुद्ध है ऐसा सबको दृष्टि से देते हैं शुद्ध है तो उसकी कार आया अनंत अनंत स्वात्मनम अनंतानंद व्यक्त रूप बाकी पुताना आत्मा में अनंतानंत गुण वाले प्रगट है ऐसे अंतर्दृष्टि में दिखते है ऐसा लेना ये बता रहा आया स्वात्म शब्द पढ़ा ना स्वात्मनम अनंतानंद दृष्टि व्यक्त रूप अपना आत्मा अनंतानंद गुण का भरा प्रगति है जितना प्रगति है कुछ गुप्त नहीं है समझ आया एक समझ में अनंत अनंत को कहा था ना अनंत गुणा हूं ऐसा अनंत अनंत गुण प्रगति अपना आत्मा में करे ऐसा आत्मा को द्रव्यानुयोग की अंतर्मुख होकर अभ्यास करना उसका नाम सम्यक दृष्टि का सावक सावकाचार कहने में को समझ में आया प्रभु
392 दर्शनम यदय शुद्धम दूतम तस्न पश्यति विनाशम सकलम जानन्ति स्वप्नम तस्न दिशति। यो क्या कहते हैं, जिसके हृदय में सम्यक दर्शन शुद्ध चैतन्य की दृष्टि ने अनुभव हुआ है, प्रतीत अनुभव दान हुआ शुद्ध है, उसके भीतर कोई दोष नहीं दिखलाई पड़ता है, पहले शुद्ध है उसे दोष न प्रसन्न की दोष दृष्टि में नहीं दिखते, दृष्टि में दर्द दिखते हैं, दोष जो राग आदि होता है उसका ज्ञाता दृष्टा नहीं है, समझ में आया, उसके भीतर कोई दोष नहीं दिख रहा, अकेला आनंद कण शुद्ध चैतन की दृष्टि है, वरण आनंद ज्ञान दिखते हैं, सकल विनाश जानती सर्व जगत की धन वस्त्र आदि पन्नति परिग्रह को विनाशी जानती, संगत दृष्टि साथ अपना नित्य आत्मा को जानते अनुभव में, और सब पदार्थ जगत की तन वस्त्र मैल मकान आबरू कीर्ति सब नाशवान मेरा आत्मा सुखा आनंद रो ऐसे संबंध की काव का आचार युवा आचार स्वप्नम सक्ष न दिखती, सपने में भी नाशवान वस्तु का राग पैदा नहीं होता, सपने में भी राग मेरा है दिल की किया मेरी है से संगत दृष्टि होती, सपने में न आता, सपना ऐसा नहीं है, राग का कण उत्पन्न होते हैं मेरे में नाचवान है, यह आदि पदार्थ नाचवान है, इस स्वप्नम प्रश्न दिखते इसका स्वप्न में भी घर को अपना जानते नहीं, आया नमस्ते नवाणु अनेक पाठ पठनम च अनेक क्रिया संयुतम दर्शनम शुद्धम न जानन्ति वृथा दान अनेकधा। अब कैसा अर्थ करना कैसा समझना भी साथ में आता है, समझ में आया, अनेक पाठ पठनम अनेक पाठों का पठना शास्त्र का हो दूसरा की बात तो दूसरा तो शुभ ज्ञान पद शास्त्र को अनेक पाठ पढ़ना और अनेक प्रकार व्यवहार चरित्र का पालना दया दान भक्ति व्रत ब्रह्मचर्य सब पालना और अनेक प्रकार का दान देना, अनेक प्रकार मुनियों को दान करुणावन को दान ऐसा मंदिर को दान ऐसा आते निरथक है, इसको यदि शुद्ध सुंदर दर्शन अनुभव नहीं किया जाते है। अपनी दृष्टि स्वभाव सन्मुख किया से सम्यक दर्शन न हो, अपनी दृष्टि सुधारी नहीं दान किया सब उसका व्रता फोगत है, प्रजा लिखा फोगत है, क्रिया कान फोगत है, दान उसका दर्शन यदि दर्शन स्वयं ज्ञान उत्पाद के अपने कथा भी है पहले आठवा समी दृष्टि यथा अंडम स्वयं वर्धती ये बुध जिसके मन में सम्यक दर्शन विद्वान है अपना स्वभाव की दृष्टि भाव विभाव से जन ऐसा प्रथम धर्म प्रगत हुआ है वहाँ इस ज्ञान बढ़ता जाता है, यहाँ सम्यक ज्ञान बढ़ता जाता है, सम्यक दर्शन बिना सम्यक ज्ञान बढ़ता है ज्ञान स्थान है नहीं तो बदले कहां से, स्वयं ज्ञान उत्पाद देते है ना, यथा पंथी दृष्टि अंधम स्वयं वर्धती जैसे पक्षी की दृष्टि है सातवा सातवा होता है कि नहीं सातवा कस्बा
कि अंडा स्वयं बढ़ता है, उसी तरह बुद्धिमानों को सावधान बढ़ता जाता है। सचिव अंडाओं पर वारंबार दृष्टि आते हैं, प्राथमिक की ऐसी फसलती है कि अंडा परावर्तन दृष्टि रहता है। देखो सुनी का सचिव का निरंतर ध्यान अंडे की तरफ रहता है। एम गर्मी की दृष्टि वारंवार दृढ़ स्वभाव पर पड़ती है, वस्तु 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 उसकी दृष्टि यहाँ, तो उसका ज्ञान बढ़ता ही जाता है। काटबा का अंडा उसकी दृष्टि क्या कायम रहे बढ़ता जाती है, ऐसा संगत दृष्टि का दृष्टि जिस द्रव्य पर है तो संगत शुद्ध ज्ञान बढ़ता ही जाता है, मगर पटी बढ़ते जाते हैं। हम कहते हैं देखी उसका नाम दर्शन शुद्धि कहने में आशा हो गया।